CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। हेलेन केलर, जन्म सन 1880, देहावसान सन 1968, अमेरिका। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थीं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं, वे बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चिड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे
फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जो देखकर भी नहीं देखते। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन संजय कुमार सुमन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख हेलन केलर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन बटिलंग लिंगदो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।